उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ब्रिटिश शुरुआत करेंगे, पर इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिकित्सालय निर्माण हेतु राज्य सरकार ने दी 10 करोड़ की स्वीकृति। हरावाला देहरादून में बनेगा 300 श्रेयायुक्त चिकित्सालय। नवंबर तक तैयार होगी देहरादून में रोपवे और हरिद्वार पे पीआरटी की पीडीआर। कैबिनेट में आएगा रोपवे का प्रस्ताव। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान में कार्यक्रम। उत्तराखंड संस्कृति को दिया जा रहा है बढ़ावा। उत्तराखंड की संस्कृति पूरे देश भर में अनूठी। सोशल साइट पर वीडियो वायरल। अंतिम संस्कार के बीच पानी का तांडव। अग्नि के बीच जल का आगमन। अभी तक वीडियो की जगह स्पष्ट नहीं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देहरादून में झमाझम बारिश। ऋषिकेश, गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बंद। भारी बारिश के साथ भूस्खलन। चमोली गोपेश्वर ऊखीमठ हाईवे पर भूस्खलन। 15 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही पर रोक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करती है उत्तराखंड में। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगभग 70 से ज्यादा लोग अब तक काल के ग्रास में समा चुके हैं। बावजूद इसके हर रोज पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के तमाम सोशल साइट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग जब नदी के बीच में मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए उसको चिता पर लेटाकर अग्नि देते हैं, तो अचानक पहाड़ों से बरसाती नाला आ जाता है। वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि मौके पर लोग किसी तरह चिता से दूर चले जाते हैं और आग की लपटों में घिरी चिता पानी के बीचों बीच फंस जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। दो मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश और आपदा न केवल जीवित इंसान को बल्कि मृत शरीर को भी नहीं बख्श रही है। चिता के आसपास जैसे ही तेजी से पानी पहाड़ों से जाता है, वैसे ही कुछ लोग हल्ला मचाते हैं, लेकिन देखते ही देखते जलती हुई चिता पानी के आगोश में चली जाती है और चंद सेकंड के बाद लकड़ियों सहित चिता का कोई पता नहीं चलता है। यह वीडियो कहां का है अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल साइट पर यह वीडियो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के दुगद्दा क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लिहाजा अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ये वीडियो उत्तराखंड का है या किसी अन्य राज्य का। हालांकि जिन लोगों की आवाज वीडियो में सुनाई दे रही है, वह लोग नेपाल मूल के निवासी लग रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी नेपाल मूल के निवासी अत्यधिक रहते हैं, लिहाजा अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो उत्तराखंड का है या देश के किसी अन्य राज्य का। लालकुआ और इसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात से लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते मौसम जहां एक तरफ सुहाना हो गया, तो वहीं रोजमर्रा के काम करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहां कोरोना काल में दुकानदारों को दुकान खोलने का समय बहुत कम मिला है, तो वहीं बारिश के इस मौसम में उनका सामान भी समय से नहीं बिक पा रहा है। चमोली में आए दिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं, जिनको लोग जान मुसीबत में डालकर पार कर रहे हैं। लेकिन यहां आफत पर भक्तों की आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों चमोली जनपद में विश्व प्रसिद्ध नंदा लोकजात का आयोजन चल रहा है। विभिन्न पहाड़ों के दुर्गम और जंगली रास्तों को पार करके माँ नंदा की टोली 11 दिनों की यात्रा पूरी कर कैलाश पहुंचती है, जहां नंदा सप्तमी के दिन लोकजात संपन्न होती है, जहां साफ देखा जा सकता है किस तरह आपदा पर आस्था भारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 अगस्त से लेकर आने वाले 3 दिन राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं में के लिए जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
बहरहाल अभी मौसम साफ स्थिति में नहीं है, तो वही सरकार भी मौसम और बारिश से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं अब सरकार आने वाले समय में बारिश के पानी का पूरा सदुपयोग करने की तैयारी में है। साथ ही जल भराव से निपटने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में बारिश का कहर, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं रास्ते बंद। मौसम विभाग की भारी चेतावनी, आने वाले 3 दिन मुश्किलों भरे। सीएम रावत के निर्देश, अधिकारियों को सख्त निर्देश, हर संभव लोगों की करे मदद। फोटो खींच के भेज दी मैंने आगे, मैंने कहा देखो नाजुर तहस नहस हो गई कॉलोनी पूरी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कहीं रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति यथावत बनी हुई है। सरकार लगातार बारिश और बाढ़ से निपटने के दावे कर रही है, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं विकट है। वहीं मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से दोबारा भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड के कई जिलों में जताई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 अगस्त से लेकर आने वाले 3 दिन राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बहरहाल अभी मौसम साफ स्थिति में नहीं है। 18 तारीख आज अगस्त की है, अभी 2 से 3 दिन अगर देखें तो पूरे प्रदेश में जो बारिश की एक्टिविटी वो ठीक ठाक रहने वाली है। 18, 19 और 20 ये 3 दिन अगर बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश तो जहाँ ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में देखने को मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। खासकर हैवी टू वेरी हैवी रेन्स की बात करें तो हमारे जो पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इनमें 2 दिन जो है खासकर ये ज़्यादा एक्टिविटी है। और उसके बाद अगर देखें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जो आप 20 तारीख को अगर बात करें तो उसमें मैं कहूँगा रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट भी, तो उसमें भी जो है 20 तारीख को उनमें भी हैवी वेरी हैवी रेन की संभावना है। वहीं सरकार भी मौसम और बारिश से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं न कहीं अब सरकार आने वाले समय में बारिश के पानी का पूरा सदुपयोग करने की तैयारी में है। साथ ही जल भराव से निपटने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी किए। लेकिन एक जो बड़ी चीज सामने आ रही है कि तमाम अतिक्रमण के कारण और जो भी पानी के जो नाली थे, नाले थे, या जो परसों जो गोविंदगढ़ में जो हुआ है वो छोटी बिंदाल नदी थी, आज उसकी हालत नाली की हो गई। मैंने कहा उनको भी चिन्हित करना चाहिए कि जिन्होंने अतिक्रमण किया। बहरहाल भारी बारिश से हो रही तबाही से निपटने के लिए सरकार लगातार सक्रिय है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बारिश से पहाड़ भी दरक रहे हैं और सड़कें भी पूरी तरीके से बंद हो जा रही हैं, जिसको लेकर बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बीते माह 2 जुलाई को नैनीताल नगर के निर्मल पैलेस पंजाब होटल नैनीताल स्थित घर से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि चोरी किए गए सामान में से 18 लाख के जेवरात पीड़ित के भाभी की बहू से बरामद किए गए हैं। तो वही पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर लिया है। बीते माह 2 जुलाई को जोगेंद्र सिंह आनंद निवासी निर्मल पैलेस नैनीताल द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि उनके घर के लॉकर की चाबी खोलकर सोने व हीरे के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। नैनीताल थाना पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस व अन्य तरीकों से जांच करते हुए शिकायतकर्ता के भाई की बहू से चुराए गए सोने की 2 चेन, 8 अंगूठियां, 1 जोड़ी झुमके, 2 सिक्के, 2 गले के हार, 3 जोड़े कान के टॉप के साथ ही हीरे का हार बरामद कर लिया है। तो भी बरामद आभूषण की कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। ये 2 जुलाई को वादी श्री जोगेंद्र सिंह द्वारा थाना तलीताल पर सूचना दी गई थी
कि उनके घर का लॉकर की चाबी खोल करके किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लॉकर में रखा सारा ज्वेलरी वगैरह चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना तल्लीताल पर अभियोग पंजीकृत किया गया और SOG को भी इसके घटना के अनावरण हेतु नियुक्त किया गया था। तो सर्वलांस के जरिए वो पतारसी सुरारसी करते हुए आज जो है वादी के भाई की बहू को चोरी के सामान ज्वेलरी आदि लगभग 18 लाख की कीमत इसकी इसके साथ गिरफ्तार किया गया है। आजादी के बाद से लगातार पुल बनाने की मांग कर रहे नैनीताल जिले के रोपा झिरोली तल्ली सेठी सिमटिया तिवारी गांव के ग्रामीणों को अब बरसात के दिनों में जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार करने के लिए मौत का सफर तय करने को मजबूर ग्रामीणों को जल्द ही इससे निजात मिलने जा रही है। बता दें कि न्यू संवाददाता ने ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर विधायक से बातचीत की तो विधायक संजीव आर्य ने बताया कि नैनीताल विधानसभा में 5 पुल बनाए जा रहे हैं। इन 5 पुलों को बनाने के लिए भूमि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अधिग्रहण का काम शुरू कर लिया जा रहा है। ग्रामीण का मुआवजे की धनराशि मिलने के बाद जैसे ही भूमि हस्तांतरित होती है तो पुलों के निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक से 60 करोड़ की धनराशि अभिमुक्त हो जाएगी और 6 माह के भीतर ही पुलों का काम शुरू हो जाएगा। पूरे जिले में सबसे ज़्यादा पुलों के निर्माण की श्रृंखला हमारी विधानसभा में है और मैं इस बात को सहमत हूँ, आपने जिस विषय को उठाया है वो बहुत ही गंभीर और लगातार आज़ादी के बाद से वो मांग उठते हुए आई है। हमारे 5ों पुलों में एक फॉरेस्ट क्लियरेंस का केस था, वो हमने निस्तारित कर लिया है, उसका NPV भी जमा हो चुका है। एक हमारा झिरोली का पुल का निर्माण संभवतः महीने भर के अंदर शुरू हो रहा है। बाकी जो हमारे 4 पुल थे जिसमें तल्ली सेठी सिंतिया, अमेर खैराली, तिवारी गांव भंगरेटी और रोपा सपाटी, ये 4ों पुलों में भी सिविल कंपनसेशन का मुआवजे के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रुद्रपुर के कोतवाल के 2 SSI सहित 10 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोतवाल की जांच रिपोर्ट कल रात को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद कोतवाली में तैनात 2 SSP दरों का सहित पुलिसकर्मियों का रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल तो जो कोतवाली में इंस्पेक्टर रुद्रपुर जो पॉजिटिव आ गए हैं तो कोतवाली को बंद करके बाजार चौकी और आदर्शगंज चौकी का जो कैंपस है वहीं से इस जो कोतवाली का काम संचालित किया जाएगा 2 या 3 दिन के लिए, जब तक कि कोतवाली को पूरी तरह सैनिटाइज करके और बाकी सबके जो सैंपलिंग हो के जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो क्लियरेंस ना हो जाए तब तक के लिए। रही बात बाकी तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी एहतियात दी, पुनः आज ब्रीफिंग अभी की जा रही है और की भी जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार की पौष कॉलोनी बिल्केश्वर में जंगली हाथियों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जंगली हाथियों के साथ कई जहरीले सांप और बाघ तक यहां पर देखे गए हैं। हद तो तब हो गई जब बेधड़क यहां से गजराज पधारे। इनके आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिल्केश्वर कॉलोनी में बीती देर रात एक बार फिर से हाथी देखा गया। कॉलोनी में हाथी के आने से घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बिल्केश्वर कॉलोनी राजाजी टाइगर रिजर्व से लगी हुई है, जहां पर आए दिन जंगली जानवर कॉलोनी में घुस जाते हैं। इसकी वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोग दहशत के साए में रहने को मजबूर हो गए हैं। बीते देर रात हाथी जंगल से निकलकर कॉलोनी में घुस आया और सड़कों पर घूमता रहा। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर बाद कॉलोनी में घूमने के बाद हाथी जंगल में चला गया। यह घटना कॉलोनी में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। डेढ़ दांत के हाथी ने यह काफ़ी उत्पात मचाया, दर्जनों गाड़ियों को तोड़ा, कई व्यक्तियों के पीछे जान से मारने के लिए भागा। इस संबंध में कॉलोनी वासी काफ़ी भयभीत हैं और इसको देखते हुए सभी कॉलोनी वासियों ने एक लिखित और मौखिक ज्ञापन वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है, जिसमें उनसे आशा की गई थी कि वह ठोस कार्रवाई करेंगे। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में तकरीबन 200 छात्र आए हैं, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी है। कई जगहों से छत झड़ चुकी है और बरसात में छत टपकना भी शुरू हो गई है, जिस वजह से विद्यालय प्रशासन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। कहीं अनदेखी किसी बड़ी घटना को चुनौती न दे, विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार नई बिल्डिंग का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कदम इस संबंध में नहीं उठाया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है।
जिस प्रकार से बिल्डिंग की छत झड़ रही है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि बड़े हादसे से बचा जा सके। लेकिन आज यहाँ के स्कूल की जो जीर्ण अवस्था है, इसके अंदर जो छात्र छात्राएं बैठती हैं या स्टाफ बैठ रहा है, हमेशा इनके ऊपर छत की हालत यह है कि प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे किसी भी कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा तो यह है कि चूंकि ये मुख्यमंत्री की विधानसभा का क्षेत्र है। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी की ग्राम पंचायत ऊषाड़ा के ताला तोल के निचले हिस्से में आकाश कामनी नदी के कटाव से निरंतर भूधसाव जारी है और 79 परिवारों ने कई चौकियों में शरण ले ली है। ग्रामीण जीवन और मौत के बीच यापन कर रहे हैं। कुंड चौपदा मोटरमार्ग के ताला तोक में बार बार भूसधाव के होने से भारी वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। बता दें कि तुंगनाथ घाटी में हर रोज बारिश हो रही है। बारिश के कारण क्षेत्र में भूसधाव को हो रहा है। ताला तोल में आकाश कामनी नदी के तेज बहाव के कारण हो रहे भूधसाव से अब पूरा ताला तो खतरे की जद में आ गया है। सभी 79 जो परिवार हैं उनको संबंधित गांव के विभिन्न अलग अलग तोकों में सरकारी जो भवन है, सार्वजनिक भवन और कई जगह पर निजी भवनों में विस्थापित किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम के द्वारा भी वहां DDRF ने सर्वे किया है और साथ में 4 अस्थायी रूप से व्यवस्था हेतु टेंट उस गांव में उपलब्ध कराए गए हैं। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बहुली का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं आदि की समीक्षा की। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में प्राचार्य शशि प्रकाश यादव ने जिलाधिकारी को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बहुली में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं एवं कार्यरत शिक्षकों के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि विगत 2 वर्षों में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा है, किंतु वर्ष 2019-20 में परीक्षा फल में कमी आई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा खेल प्रतिभागों में भी उच्च स्थान प्राप्त किया है। जैसी राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में जनपद में स्वर्ण पदक, ताइक्वांडो में 2 सिल्वर और 1 कांस्य, चित्रकला गायन आदि में भी उच्च स्थान प्राप्त करते हुए नाटक विद्या में जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण पांखू क्षेत्र के लोहाथल, खोला गांव, संगोड़, एराड़ी, कूड़ी गांव में आपदा आने से भारी नुकसान हुआ। इन गांवों में सैकड़ों मकान खतरे की जद में आ गए हैं। कई मकान में रह रहे लोगों को अन्य जगह शिफ्ट किया गया है। विधायक मीना गंगोला ने आपदा ग्रस्त गांवों को भ्रमण करके प्रभावित टेंट उपलब्ध कराने के आदेश दिए। बता दें कि कूड़ी गांव के 1 दर्जन परिवार टेंट में रह रहे हैं। विधायक मीना गंगोला ने टेंट में रह रहे परिवार वाले लोगों को संसाधन से खाद्य सामग्री भी दी है और इस दौरान आपदा प्रभावितों को मदद करने का भरोसा दिलाया है। मौके से DM को फोन करके यहां पर शीघ्र आपदा प्रभावितों को हुई क्षति का आकलन करने का मुआवजा देने की बात कही गई है। विधायक घायल होने के बाद भी लाठी के सहारे आपदा प्रभावितों के हालचाल जानने के लिए रही। तो विधायक ने प्रभावितों को मुआवजा देने का ऐलान किया। हालांकि वो घायल है लेकिन फिर भी लाठी के जरिए वो उस जगह का निरीक्षण करने के लिए पहुंची और उन्होंने सख्त जिलाधिकारी को आदेश दे दिए हैं कि जिस तरह से जो जगह प्रभावित हो गई है बारिश की वजह से, उन जगहों का आकलन किया जाए। और लगातार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं पर काफ़ी लोगों को टेंट में शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ जगहों पर उन लोगों को शिफ्ट किया गया है। लोहाथल से जहाँ पे आप बहुत ज्यादा आपदा आई है, लोहाथल से शुरू करा, लोहाथल और खोला गांव, लेथी, कूड़ी जो संगौड़ ग्राम पंचायत में आता है, इन क्षेत्रों में गए। वाकई में वहां पे बहुत बेहाल हुए हैं लोगों के। बिल्कुल घर के आगे के दीवार जाकर के खंडर हो चुका है। पीछे बिल्कुल सिर्फ कहीं कहीं पर ऐसा है कि मकान ही मकान रहा है, तो मकान भी रहने लायक नहीं है।
नैनीताल में लंबे समय से बस अड्डे पार्किंग और जाम से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे भवाली को जल्द ही निजात मिलने जा रही है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव ने भवाली में मल्टी स्टोरी पार्किंग व बस स्टेशन का भूमि पूजन किया। यशपाल आर्य ने कहा कि मल्टी स्टोरी पार्किंग और बस अड्डे के लिए 4,26,00,000 का बजट स्वीकृत किया गया है, जो 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे भवाली की जनता को जाम से मुक्ति मिलने के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि COVID-19 के चलते अभी केवल राज्य के अंदर ही बसों का संचालन हो पा रहा है। भविष्य में भारत की सरकार की गाइडलाइन के पालन करते हुए राज्य के बाहर भी बसों का संचालन किया जाएगा। अपना होने जा रही है, हमने 4,26,00,000 का बजट स्वीकृत किया है, जिसके सापेक्ष हम 1.5 करोड़ रुपया अभी दे चुके हैं। जैसे ही इसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी इसको भेजेगी, तो इसमें धनराशि, शेष धनराशि भी अवमुक्त कर दी जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां उपनगर आयुक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते उपनगर आयुक्त के साथ काम करने वाले 4 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है और नगर निगम को 2 दिन के लिए बंद करके सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आज कल लेट नाइट हमारे एक सीनियर एक ऑफिसर हैं, उनको भी कोविड टेस्ट कराया गया था, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनके संपर्क में जो 4 लोग काफी क्लोज वेसिनिटी में थे उनका हम लोगों ने आइसोलेशन का ऑर्डर कर दिया है, उनको भेज दिया गया है और 4 दिन हम लोग वेट करेंगे एज पर प्रोटोकॉल। उसके बाद अगर लक्षण उनमें प्रकट होते हैं तो उनका भी टेस्ट कराया जाएगा। जोनसार बाबर की लाइफलाइन कहा जाने वाला कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग अब सहिया गांव के पास मौजूद झजरेट नामक स्लाइडिंग जोन स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर झजरेट में बरसात के मौसम में रोजाना पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से यह मार्ग घंटों बाधित रहता है, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को मार्ग खुलने के लिए घंटों इंतजार तो करना पड़ता ही है, साथ ही संबंधित विभाग PWD कर्मियों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से यहां विभाग की JCP मशीन मलबा हटाने के लिए 24 घंटे मौजूद रहती है। इतना ही नहीं, अचानक मलबा आने और पत्थर आने से अक्सर हादसे होते रहते हैं। तो जिस वजह से यहां के लोगों के लिए सालों से यह समस्या जस की तस बनी हुई है। तो मलबा गिरने से और पहाड़ गिरने से यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं, जिस वजह से राहगीरों को और स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं सभी जितने भी यहाँ इस रूट से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये जौनसार का बेसिकली ये मुख्य मार्ग यही है, लेकिन यहाँ की जो समस्या है ये जस की तस वहीं वर्षों से विगत वर्षों से ऐसी है, जिसमें महिलाओं को और बच्चों को मुख्य रूप से बहुत समस्या हो रही है और यहाँ पे ऐसा पल नहीं है जो यहाँ पे खतरा नहीं है बना हुआ। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश और भूस्खलन से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किन मार्गों की क्या स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में मार्गों की स्थिति, कुमाऊं गढ़वाल परिक्षेत्र के जनपदों में हो रही बारिश, चार धाम मार्गों की स्थिति निम्नवत, NH 58 चमोली में कोहिड सोनला पागल नाला पर बंद, टिहरी में NH 58 तोता घाटी पर बंद, केदारनाथ मार्ग रुद्रप्रयाग में भीरी तथा बांसवाड़ा पर बंद, उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग टावर कोट पर बंद, पिथौरागढ़ में घाट पिथौरागढ़ मार्ग तथा तवाघाट सोबला मार्ग बंद, चंपावत में टनकपुर चंपावत मार्ग सिनियारी के पास बंद, अल्मोड़ा में भतरोज खान रामनगर मार्ग बंद, टिहरी में कुमारड़ा चौकी से चंबा की ओर जाने वाला मार्ग अवरुद्ध,
पिथौरागढ़ में अवरुद्ध मार्ग निम्नवत घाट पिथौरागढ़ मार्ग घाट से 50 मीटर आगे पिथौरागढ़ की तरफ थल मुंस्यारी मार्ग हरडिया में अस्कोट बलुआकोट मार्ग लखनपुर गागरा में झोलजीबी मदकोट मार्ग चामी में भारी वाहनों के लिए अवरुद्ध तवाघाट पांगड़ा मार्ग गस्कू और मलघट में मदकोट मुंस्यारी मार्ग भारी वाहनों के लिए ओखला अस्कोट मार्ग घिनोरा में अवरुद्ध रुद्रप्रयाग में सीतापुर रामपुर और मुनकटिया में अवरुद्ध। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।